ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। इस पर मैंने यहाँ पर डोर कहाँ पे, यहाँ पे इसको मैंने रिफाइन कर दिया, यहाँ पे ना और यहाँ पे, ठीक है। टू प्रेस करा, इसको डिलीट मार दिया मैंने, ठीक है। इसको पूरे को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर आता है आउटलाइन, दिख रहा है इसमें। इसको कर दिया मैंने 4.5, सॉरी 150 इंच कर दिया मैंने, जी आ गया। इसे एक्सट्रूड कर दिया, कितना ऐड पे, 3000 3000 mm वाला, 10 फीट में जी बन गया या नहीं बना। बन जिसके नीचे हमने एक प्लेन लगा दिया बेस, ठीक है। हाइट रखा हमने इसमें कितना, 3 फीट, ठीक है। प्लेन से रखा हमने 7 फीट, ऐसा बना। इसको सेट इट कर दो, जीरो करना, ये बन गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जी कलर भी सेम ही रखना चाहो तो रख सकते हो, पता नहीं चलना है। क्लियर हो गया। जी अब बात आती है जो तुमने डाउनलोड कर रखे हैं, डाउनलोड कहाँ पे कर रखे हैं, जैसे कि मेरे लैपटॉप में डाउनलोड यहाँ पे होंगे, डाउनलोड करके दिखाना तुम्हें। डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, रेडियस मैक्स, ये आ गया यहाँ पे। इसमें यहाँ पे आ रहा है आर्चिप, ओपन करो, ये आ गया यहाँ पे। इसमें यहाँ पे किस नाम से होगा, सेनेटरी में होगा, इसमें नहीं, इसमें दिख रहा है यहाँ पे। आपको क्या चाहिए, एक बात चाहिए, बात टाप कैसे चाहिए होगी बताओ। एक तो ले लो यहाँ पे, जी एक ले लो यहाँ पे, दूसरी WC वाली लगा दो, वाट टाइप की वाली लगा देते हैं हम, ठीक है। और हमें एक ऊपर कपड़े टांगने के लिए भी चाहिए, आ गया। ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इस पर क्लिक करो, डाउनलोड पे लगा दो वाट टाइप। और डालो फिर नया लगा देंगे, नया ठीक ना, कुछ भी पहले से
उसमें बाहर का रिजल्ट सर डालिएगा तो पूरा बात ही टपा जाएगा। ठीक है, जब मैंने सर्च करते हैं बाथ टब, ये आ गया यहाँ पे। कौन सा बाथ टब? ये वाला सही लग रहा है। ये ठीक है भाई। सर जो रेट प्लानिंग करते हैं तो इसके साइट पे जा जाके देखकर लिख कर बता सकते हैं। जो मतलब प्लानिंग करना है कि बाट अब इतने का आता है, ये इतने का आता है, तो हम तो तुम्हें खरीदने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। मार्केट नहीं जाकर अमेजन फ्लिपकार्ट पे इस पर सब रेट देख कर बता सकते हैं ना। ठीक है भाई, इतना पहले देख लेते हैं जितना हमारे पास आ गया है, और अगर हमें देखना होगा तो उठा लेंगे, बाद में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, जो भी हमें चाहिए अभी जितना है उतना देख लेते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं 100 फोल्डर में, यहाँ आ गए हमारे पास 2 फोल्डर, दिख रहे हैं इसमें भी शायद कुछ है, 3 आ गया ना। इन तीनों को हमने पकड़ा यहाँ से, इसको एक फोल्डर बना लेना पहले। ठीक है, यहाँ से एक फोल्डर बना लेना आप, यहाँ पे मैक्स का नाम से। किस नाम से? मैक्स के नाम से बना लिया मैंने। और जब भी आप ध्यान रखना, जो टेक्चर आप लगा रहे हो तो मैक्स की फाइल भी इसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसको राइट क्लिक करो, यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल करो, आ गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये बाट टप है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये बाट टप है, ये इसका टेक्चर वगैरह सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। ये देखो, इसमें लोगोज वगैरह लगाना है तो लोगो भी लगा सकते हो, ये दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ पकड़ा, ये वाटर का कलर भी है इसमें, पिक करा मैंने यहाँ से, ऐसे भी लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आप इसे ड्रैग करके, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट में, जाएंगे यहाँ पे, किस में जाएंगे? इंपोर्ट में। आपकी फ़ाइल कहाँ पे है? जहाँ भी आपकी फ़ाइल है आप वहाँ से इसको कॉपी कर लो, उसका लोकेशन एड्रेस, ठीक है, और यहाँ ला के आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये आपको वहीं लेके जाएगा जहाँ आपकी फ़ाइल है। ये आपने पकड़ा यहाँ से, ओपन कर लिया, ठीक है, इसको आपने ओके करा यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। इसको आर प्रेस करा और छोटा सा स्केल कर दिया, ज़्यादा बड़ा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ग्रुप कर दिया, पहले क्या करना है, ग्रुप कर देना है इसको, 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट पे कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। इसको और स्केल कर दिया हमने, डबल प्रेस कर दिया मैंने, कि कहाँ पे रखना है, टॉप व्यू में चले जाओ यहाँ पे। इसको यहाँ पे रोटेट कर दो, कितने डिग्री पे करना है आपको? 90 डिग्री पे, इसको आपने इसने पॉप करा यहाँ से और इसे कोने पे रख दिया। ठीक है, और सर इसे साइज करना हो साइज देख लेंगे अभी, कितना साइज आपको, जब आपने ऑटोकैड की फाइल में बना रखा होगा तो आपको साइज उसी के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना है स्केल करके। मेरे पास अब यहाँ पे करना है, इसका लेंथ कितने होने चाहिए? 1600 mm होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका टेप आ रहा है, इसमें टेप पे चले जाओ, यहाँ पे स्नैप ऑन करो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए? 1600 mm। तो 1600 का मतलब होता है 3 × 4 = 15, 5.5 फीट होना चाहिए ना, 3 × 15 5 फीट कितना होना चाहिए? अभी 4 फीट है, 5 फीट 4 इंच, अभी कितना आ रहा है यहाँ पे, इसका आ रहा है 4 फीट आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना है इसको, तो आप बढ़ा लो यहाँ पे थोड़ा सा और। ठीक है, दोनों बढ़ गया, लेंथ भी चेंज हो गया, विड्थ भी चेंज हो गया, प्रॉपर डायमेंशन आया हुआ है, क्लियर हो गया। फ्रंट में देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर कर दो, क्लियर हो गया। तो ये बाट टप आ गए यहाँ पे, इस पर आप पाइप वगैरह जो भी, टोटी वगैरह जो भी लगाना आपको इसमें
वो आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। टेक्सचर आपको लगाना है, एम प्रेस करो यहाँ पे, इसको आप ड्रॉप से पिक कर लो, टेक्सचर इस पर आ जाएगा। जहाँ भी आपका टेक्सचर है आप वहाँ से उठा के बिटमैप पे जाके, अगर वीडियो आपको पता है तो वीडियो उठा लो, आ गया यहाँ पे टेक्सचर। जो भी टेक्सचर आपको लेना है, जहाँ पे भी लगाना है, जिस तरह का भी टेक्सचर आपको लगाना चाहते हो वो आप टेक्सचर इसमें लगा सकते हो। दिख रहा है यहाँ पे ये टेक्सचर, से ये टेक्सचर लगा दें यहाँ पे, ठीक है ना। आ गया यहाँ पे टेक्सचर। इसके बाद यहाँ पे क्या लगाना है आपको, नेक्स्ट, यहाँ से बाहर आ जाओ आप, ये सही है ना, इसको रिनेम कर दो, इसको कॉपी कर लो इसका नाम, और इस पर पेस्ट कर दो ताकि आपको ध्यान रहे कि किस नाम से कहाँ लगा रखा है, ठीक है। ये फोल्डर शायद अभी ओपन हो रखा हुआ इसलिए ये काम नहीं कर रहा है आई थिंक। इसके बाद इसमें क्या है, अच्छा इसमें सवार हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें डोर है यार, तो शायद अभी एक इसमें से डाउनलोड करना बाकी रह गया, कौन सा, जो भी हमने ढूंढ रहे थे हम, डाउनलोड ही नहीं हुआ तो उस समय। अब समझ में आ गया आपको कैसे लगाना है जी, नहीं लगा सकते हैं पर अभी नहीं लगा सकते कुछ नहीं कर सकते। तो सर जो उसका तो ये डिमांड नहीं रहेगा, हम कैसे भी बना के दें उसको, तो रियल व्यू से मतलब है ना, सबसे रियल व्यू चाहिए। जब क्लाइंट अपना पसंद करे तो बात है, मार्केट में चीज़ अवेलेबल तो होनी चाहिए, वही चीज तो आप उसे दोगे जब मार्केट में अवेलेबल होगा, नेट पे तो देख लेंगे कौन चीज़ अवेलेबल है। हाँ तो फिर उसकी कॉस्ट भी तो है चाहिए ना, हमने बना दिया और अफोर्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो इम्पोर्टेंट भी तो है। आप इसको ड्रैग करके भी लगा सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे, ड्रैग करना है यहाँ पे, इस तरह से लेके जाना है यहाँ पे, राइट यहाँ पे ला के छोड़ देना है आगे, इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्केल करना तो आपको आता ही है, उसमें एक्सपर्ट हो आप लोग, ठीक है। इसको आप यहाँ से ग्रुप करिए, कोऑर्डिनेट 0000000 कर दो, ठीक है ना भाई। अब कहाँ पे लगाना है आपको बात, ग्रुप नहीं करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। हाँ यहाँ लगा देना है, नहीं लगाना है इसे, उधर तो इधर लगाना था, गेट पे लगाओ, ठीक है। यहाँ पे लगाना है, इधर 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 गेट जो है ना यहाँ पे, हाँ बाहर तक तो सर रोटेट करना पड़ेगा, तो कर देंगे, उसका कोई बड़ा मैटर नहीं है, क्या लगाना है। नहीं नहीं सर इधर बाहर तक को, हाँ बाहर तक को आप दीवार को सटा दीजिए जो हमने, हाँ अब जाएगा फिट बार, अब इसको थोड़ा सा और सर इधर कर, नहीं नहीं इधर इधर इधर, इधर हाँ यहाँ गेट है ना पास में, बस सही यो, ठीक है भाई जी, इतना सही है यहाँ पे, इसको हमने हाइट दे दिया, मूव कर दिया ऊपर की साइड, ये आपका बाथ टब भी आ गया, साइज सर इसका सब कुछ सही है, परफेक्ट है साइज वगैरह 810, ठीक है। इसको भी आप टेक्सचर ले लो, इस पर भी आप पिक कर लो, ये खुद उठा लेगा इसमें टेक्सचर है या नहीं है, कलर बना रखा है इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, ठीक है, टेक्सचर नहीं है इसमें, सिर्फ कलर है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये जो वॉल है, इसमें यहाँ पे चले जाओ, इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको शिफ्ट के साथ कॉपी कर लो, यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ से डी अटैच करना है, क्या करना है, डी अटैच कहाँ दिख रहा है, जरा डी अटैच, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, थ्री कर दिया मैंने यहाँ पे, इसमें आता आउटलाइन,
ये हो गया यहाँ पे, इसे एक्सट्रूड कर दिया मैंने कितने पे, 7 फीट पे, ठीक है। इसको हायरार्की पे गया, पेट पर उड़ गया, इसको सेंटर कर दिया, बाहर आ गया। इसको अब इसको अलाइन कर दिया इससे, ठीक है, पाइवेट टू पाइवेट कर दिया इसको मैंने, ओके। दिख रहा है यहाँ पे जी, ऐसे आप कन्वर्ट टू पॉली भी कर सकते हो। कन्वर्ट टू पॉली करने में इसको हल्का सा मूव कर दो अंदर की साइड से, ये सर टाइम्स और ये के लिए लस्ट्रा के लिए। आ गया यहाँ पे गीजर, हो गया यहाँ पे। इस पे टाइल लगानी है आपको, इसमें अलग कलर अलग अलग टाइल लगा सकते हो, कुछ अलग ऊपर और नीचे कुछ और, इस तरह का पूरा ही एक ही लगाना है। तो आप टाइल भी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। कौन सा टायर लगाना चाहोगे आप? दिख रहा है आपको बहुत तरह के डिजाइन आ रहे हैं यहाँ पे। ये वाला लगाना है, ये वाला टायर लगाना है, जो भी आप लगाना चाहो बाथरूम में आप लगा सकते हैं यहाँ से। ये वाला लगा दो, इसको व्यू इमेज करो, ठीक है, सेव कर दें यहाँ से। कहाँ सेव करना है? डाउनलोड में ही सेव कर दो उसके अंदर ही। कहाँ था मैक्स का नाम को फोल्डर बना रखा था मैंने, यहाँ मैक्स का, यहाँ सेव। यहाँ अगर स्टाइल नाम हम जानना चाहे तो नहीं जान पाएंगे? नहीं यहाँ पे नहीं, स्टोन है ना दिख रहा है, स्टोन टाइल से दिख रहा है आपको। इस तरह की टाइल चाहिए, ठीक है, ये इस तरह की टाइल ज़्यादा लगती है। यहाँ व्यू कर देंगे सारे इसी टाइप के टाइल्स मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको कैसे डाउनलोड करने हैं? कितना टाइम लगा डाउनलोड करने? ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट मिल गया नेट। चलो इस समय आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। आपको टेक्चर कहाँ पे है? यहाँ पे आपके टेक्चर है, यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ से पकड़ो इसको, ड्रैग ऐसे भी लगा सकते हो आप, ड्रैग करो यहाँ से सीधा यहाँ पे लेके आओ, इसके ऊपर लाके छोड़ दो। आ गया, इसको यहाँ पे असाइन कर दो और सो मेटेरियल कर दो, ठीक है। एफ टू करा मैंने यहाँ से, रेड कलर बंद हो गया। यहाँ पे गो टू मॉडिफाई यू प्रेस यू डब्ल्यू मैप, कोई बात नहीं तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो। दिख रहा है यहाँ पे देखो, आ गया नहीं आ गया बताइए। कोई डाउट्स?
लगा सकते हैं आप लोग। इस पर वाइट वाइट कलर कर दें यहाँ से। समझना है आपको, नीचे भी चेंज कर दें आप। वॉल के लिए ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ पे कौन सी टाइल आपको लगानी है फ्लोर में, वो आप यहाँ से देख लो। जो भी टाइल लगानी हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, फ्लोर की बहुत टाइल्स है, वो आप देख लो यहाँ पे कौन सी लगानी है। ठीक है, आप नेट से, नेट तो आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आप नेट से निकालो ना फ्लोर टाइलिंग, किस तरह की टाइल लगाना आपको, इस तरह की लगानी, इस तरह की लगानी, इसमें लिख के आ रहा है, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखा लो सेव कर, हो गया। यहाँ पे गया, आ गया यहाँ पे, पकड़ा मैंने डायरेक्ट और उसमें ट्रैक करके यहाँ ले गया। ठीक है, गोटो मॉडल फैलिस यू प्रेस रेडियो डब्ल्यू मैप बॉक्स गिज़मो सेलेक्ट करो, यहाँ पे आर प्रेस, हो गया यहाँ पे। देखो कितना बेहतरीन बन गया आपका टॉयलेट, दिखा सकते हो बाथरूम को जी, ये नहीं दिखा सकते बताओ, कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं। अब आपको इसको हटाना हो कुछ देर के लिए, मान ले जाए कि मुझे इधर सिलेंडर निकालना है जी। तो आप इसको पकड़ो यहाँ पे इसका सेगमेंट, और इसे पकड़ के इधर मूव कर दो कुछ देर के लिए, इसको भी पकड़ो, देखो जा रहा है यहाँ पे जैसे जैसे रहें, तो इस वाले को हटा दो। दिख रहा है आप,
अब ऐसा ऐसा कैमरा लगा दें यहाँ पे ऐसा करके, शिफ्ट प्लस एफ, यहाँ पर आ गया। इसमें कैमरा लगाना है, यहाँ पर कैमरा आ रहा है, वीरे कैमरा लगाना है, फ्री हैंड कैमरा लगाना है। फ्री हैंड कैमरा कंट्रोल सी से लगा सकते हो, किससे? कंट्रोल प्लस सी, लग गया यहाँ पर कैमरा। ठीक है, वन प्रेस कर दे, कैमरा फोकस आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। देखो ठीक है भाई। अब इसमें टेक्सचर डाउन कर रहा है, बहुत सारी चीजें कमी है, लाइटिंग नहीं लगी अभी, बहुत सारी चीजें है। जिस तरह से आप रेंडर निकाल सकते हो, कोई डाउट्स? तो बनाओ आप लोग का, कितना टाइम लगा बनाने में? बताओ।